महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत बोले, सरकार रिपीट नहीं होगी, कहना बंद करें। कहा कि गलतियां हुई होगी लेकिन सब भुलाकर दोबारा सरकार बनवाएं। अलवर में करोड़ों रुपए की चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अहोई में असंतुष्ट ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के साथ किया पुलिस थाने का घेराव। 7 दिनों में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा बाजार बंद कर रोड जाम कर धरना देंगे। और खबरें विस्तार से। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के एक दिन के अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है। सीएम ने कहा कि यह कहना बंद कर दीजिए कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो रही। यदि हम रिपीट करेंगे तो यह राजस्थान नहीं बल्कि देश के लिए होगा। जो नेता खुद के मुंह से पार्टी के लिए उल्टी बात कहे वो पार्टी का वफादार नहीं। पार्टी के प्रति वफादार रहो, निष्ठावान रहो, समर्पित रहो और धैर्य रखो। ईमानदारी उसी में है। सबको पद मिल नहीं सकते, गलतियां सबसे होती हुई होगी। नेता कार्यकर्ता नाराज होते हैं लेकिन हम तय कर लें कि पार्टी हित में सब कुछ भूलकर सरकार दोबारा बनवानी है। हम अगर निकल जाएंगे और एक स्वर में बोलेंगे तो सरकार जरूर फिर से बनेगी, पर खुद के मुंह से उल्टी बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिरोही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के बाद सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की आक्रोश महासभा 1 जनवरी को जवाल के शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित होगी, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित के आतिथ्य व जवाल नगर मंडल अध्यक्ष तुलसीराम पुरोहित की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुधवार को जवाल के लक्ष्मण टेकरी मंदिर परिसर में आयोजित हुई, जिसमें आम सभा को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। हमारे सिरोही विधानसभा की बैठक जावल में आयोजित की गई है। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत 1 जनवरी 2023 को पधारेंगे और इसके लिए हमने आज ये बैठक की और बैठक में विस्तृत चर्चा करके सभी मंडलों के प्रभारी नियुक्त किए और बैठक की व्यवस्था के लिए काम का बंटवारा किया और एक बहुत ही भव्य सभा के रूप में जन आक्रोश यात्रा को हम यहाँ पे जावल में कर। अलवर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के नेतृत्व में अलवर जिले के उद्योग थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज देकर व परिवहन वाहन के नंबर, इंजन व चेसिस नंबर बदलकर कंपनियों से माल भर करोड़ों रुपए की चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1,02,00,000 की फॉर्चूनर तेल व अन्य खाद्य पदार्थ बरामद किया। ये माल अडानी विल्मर लिमिटेड को बेचना था। उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि यूनाइटेड लॉजिस्टिक कंपनी के दिनेश चौहान ने, उनका मुख्य कार्यालय गुजरात गांधीनगर में है और वो अडानी विल्मर लिमिटेड के अधिकृत ट्रांसपोर्टर है। उक्त कंपनी का पिछले 16 वर्षों से ट्रांसपोर्टेशन करते आ रही है। हमारी कंपनी के अलवर कार्यालय के कर्मचारियों को दैनिक कार्यवहन में के अंतर्गत अडानी विल्मर लिमिटेड ने अपने अलवर प्लांट से फॉर्चूनर का तेल व अन्य खाद्य सामग्री भेजने के लिए ऑर्डर किया था, जिसके पश्चात हमारी कंपनी के कर्मचारियों ने रोज की तरह बंगाल बिहार उड़ीसा लाइन के ट्रांसपोर्टर मुस्किम रोड लाइन्स के प्रतिनिधि राहुल खान से ट्रक उपलब्ध करवाने के लिए संपर्क किया। उन्होंने ट्रक कटक के लिए पटना के लिए मालिक का नाम राधेश्याम गुजर और इस वाहन में चालक राजकुमार मीणा पुत्र अमर सिंह मीणा हमें प्रदान कर दिया। सभी प्रचलित कार्रवाई करने के बाद, जैसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, अन्य कागजों की कॉपी व गाड़ी का मालिक पहचान पत्र की कॉपी लेने के बाद कंपनी के ट्रांसपोर्ट ऑर्डर के अनुसार अलवर प्लांट से 7 व 8 दिसंबर 2022 को डिपो के लिए रवाना किया। अडानी विल्मर लिमिटेड करके मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया MI जो थाना अंतर्गत आता है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है इनकी। यहाँ पर इनके ऑयल का प्रोडक्शन होता है और उसकी सप्लाई होती है। उसकी सप्लाई के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क करके ट्रक अरेंज किए थे 2, जिसमें इनका करीब 1 करोड़ का माल लोड कराया था। लेकिन लोड कराने के बाद, रवाना करने के बाद में इनका 2 दिन बाद ड्राइवर से कोई संपर्क नहीं हो रहा था, तो कंपनी ने ट्रांसपोर्टर से संपर्क किया। ट्रांसपोर्टर ने भी ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी प्रकार की कोई लोकेशन नहीं मिलने पर इनको लगा कि इनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग हो गई है।
जिस पर इन्होंने MIA थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने पर चूंकि माल करीब 1 करोड़ के करीब था, तो बहुत बड़ी चीटिंग की संभावना या चोरी की संभावना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए CO रामगढ़ और SHO MIA ने और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रकों का माल, संपूर्ण माल बरामद कर लिया विदिशा MP से। और इसके साथ में इसमें संलिप्त मुख्य मुलजिम 3 की अरेस्ट कर चुके गए हैं, 1 की बूंदी से, 2 की झालावाड़ से गिरफ्तारी हुई है, बाकी अन्य 5 की गिरफ्तारी अभी शेष है। मैं सुरेंद्र तंवर, यूनाइटेड लॉजिस्टिक गांधीधाम गुजरात, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका ऑल ओवर इंडिया में तेल का काम करते हैं हम, और भी कार्गो। और हमारा यहाँ पे अलवर ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था। रेगुलर जैसे कि ऑर्डर मिलते हैं, अडानी से हमको एक ऑर्डर मिला पटना और कटक का, जिसमें मैंने रेगुलर ट्रांसपोर्टर से गाड़ी ली, दोनों गाड़ी फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी ड्राइवर से माल लोड होके चली गई। उसके बाद गंतव्य स्थान पर न पहुँच कर रस्ते में कहीं पर सुपुर्द कर दिया माल, जिससे हमें सूचना मिली तो हम SP मैडम से मिले, SP मैडम के बाद MIA थाना बनवारी लाल जी से मिले और FIR लॉज की। उसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जोधपुर शहर में स्थापत्य कला और शहर की खूबसूरती को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए शहर में आज ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक आयोजन किया। इस ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक में 10 से ज़्यादा विरासत स्थलों को कवर किया। इसके प्रति पर्यटकों और शहरवासियों में उत्साह देखने को मिला। आज सुबह घंटाघर से हेरिटेज वॉक की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतरोही और तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता शीतल राज ने इसका शुभारंभ किया। मैं शीतल, मैं उत्तराखंड से, मैं एक राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और आज मैं राजस्थान में आई। मैं उड़ान संस्था से मिली और उन लोगों ने ये जो प्लानिंग किया है ब्लू सिटी को बचाने के लिए, जितना भी दस्त है सब चीज़ों करने के लिए, बहुत ही सराहनीय काम है और हमें हर सिटी में ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है जो हमें दर्शाती है कि हम लोग कहाँ, हम लोग इंडिया से, हम लोग भारत से, भारत की संस्कृति, उसका कल्चर जो है उसको बचाने के लिए हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। जो आज हेरिटेज वॉक है और वो बहुत अच्छा ही काम किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हर जगह पर ये चीज़ काम किया जाए और हम लोग हमारा जो कल्चर है उसको बचाया जाए। यह ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का जो आयोजन किया जा रहा है, घंटाघर से प्रारंभ होकर यह शहर, भीतरी शहर के जो परकोटा है, जो ब्लू सिटी है, जो तूर जी के झाल रहे हैं, वो सब कवर करते हुए वापस घंटाघर पर समाप्त होगी। इसका टारगेट ये है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसका बचाव हो, हम सभी उसके प्रति जागरूक हो। और क्योंकि भीतरी शहर एक बहुत ही हमारा जो प्राचीन है, तो उसको लेकर लोगों को भी ध्यान पड़े, क्योंकि हर कोई यहाँ सिटी में ज़्यादातर नहीं आ पाते पार्किंग वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था से। तो इसलिए ब्लू सिटी वॉक का आयोजन किया गया है और हमारे बीच में शीतल राज जी भी पधारे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत जोधपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। जोधपुर के महामंदिर थाना पुलिस ने आज बुधवार को 4 शातिर नक्सलियों को गिरफ्तार कर आधा दर्जन से अधिक नक्सली की वारदातों का खुलासा किया। इन शातिर नक्सलियों द्वारा जोधपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में की गई वारदातों का पर्दाफाश करते हुए महामंदिर थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि परिवार की सुभाष आगोश ने थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी थी। उसने रिपोर्ट में बताया कि 23 दिसंबर की शाम को मैं जरूरी काम से दिल्ली के लिए गया था। 26 दिसंबर को वापस घर आया तो मेरे घर के ताले टूटे हुए मिले व घर से 2 लैपटॉप, 1 एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन अज्ञात चोर चुरा ले गए। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाशी शुरू की, जिस पर बुधवार को माता का थान क्षेत्र से 4 शातिर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। आहोर से खबर, जहां पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आहोर के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के साथ मिलकर आहोर थाने का घेराव किया। आहोर मुख्यालय पर कुछ दिन पूर्व बजरी रॉयल्टी कर्मियों द्वारा युवक के साथ मारपीट व जानलेवा हमले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आहोर के ग्रामवासियों ने पूर्व विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा साधारण धाराओं को लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की है, वो गलत है। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी आहोर को ज्ञापन भी दिया। चंदेरी से खबर, जहां टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट चंदेरी के तृतीय संस्करण का शुभारंभ 25 दिसंबर रविवार को हो गया था। रामबाग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सेगर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में इंदौर, बीना, गुना, झांसी, शिवपुरी, देहरादून सहित 16 टीमें भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1,11,111 रुपये है व द्वितीय 55,555, मैन ऑफ द मैच सीरीज को 42 इंच स्मार्ट TV दी जाएगी। बुधवार को तीसरे दिवस को 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला देहरादून ललितपुर के बीच खेला गया।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है।